हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 महीने 6 महीने यहाँ तक कि 1 साल पहले आधार कार्ड का अप्लाई किया है लेकिन अब तक आधार कार्ड नहीं मिला, जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको बता दूँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड ऑनलाइन आ चुका है तो देखिए, जो आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस से हमारे घर आता है और जो हम ऑनलाइन डाउनलोड करके लाते हैं, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ आधार एक्ट 2016। ऑनलाइन डाउनलोड करके जो आधार कार्ड हमें मिलता है उसमें आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटोग्राफ, आपका 12 डिजिट यूनिक आधार नंबर सब कुछ रहता है जो ओरिजिनल वाले में है। डाउनलोड करके जो आधार कार्ड हमें मिलता है उसमें UIDAI का डिजिटल सिग्नेचर भी रहता है जो ओरिजिनल वाले में है, और ये कार्ड आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि ऑनलाइन से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, तो सिंपली आपका जो बायोमेट्रिक का कागज़ है जिसमें आपका फिंगरप्रिंट है, उसमें 16 डिजिट का एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को लेकर गूगल पे जाकर सर्च करना है eAadhaar.in। सर्च करने के बाद आपको डाउनलोड आधार करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो 16 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे आपको एक कैप्चा मिलेगा, उसको भी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो फ़ोन नंबर आपका आधार कार्ड के साथ कनेक्टेड है उसमें एक OTP आ जाएगा, सिंपली उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन वाले आधार कार्ड और ऑफलाइन वाले आधार कार्ड में कोई अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।